बास बिहार बास बहादुरी और बिहार मतलब बगावत और बिहार मतलब भगवान। एक आदमी ने भारत सरकार को मजबूर कर दिया इमरजेंसी लगाने के लिए। 80 साल का आदमी, उसने अंग्रेजों को यह दिखा दिया कि बेटा इतना मारेंगे ना। नासा को पैर छूना पड़ा कि यार ऐसी क्षमता पैदा होती है भारत में। फारसी में भी करूंगा, हिंदी में भी करूंगा, इंग्लिश में भी करूंगा और जर्मन में भी करूंगा। सबसे सविनय निवेदन कर रहा हूं कि इस महान धरती का सम्मान करें और आप सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठें। हमारे एक मित्र ने आज से करीब 2 साल पहले, मैं दिल्ली में था तो उन्होंने मुझसे कहा, ए बिहारी, गोरखपुर यानी बिहार? तो मैंने कहा हाँ बताओ। तो कहे बदमाश हो? हमने कहा दिखाई नहीं पड़ रहा है। हमने कहा लेकिन तुम एक हिस्सा देख रहे हो, एक बास बिहार बास बहादुरी। 1857 का जब विद्रोह हुआ ना, 80 साल का कुंवर सिंह, 80 साल ऐसे ही जज्बा रहा होगा, ऐसे ही 80 साल का आदमी, उसने अंग्रेजों को यह दिखा दिया कि बेटा इतना मारेंगे ना। बहादुरी ही नहीं, हमने कहा एक अभी सुनते जाओ, बुद्धिमता। वशिष्ठ नारायण सिंह, नासा नाश करने वाले, नासा को पैर छूना पड़ा कि यार ऐसी क्षमता पैदा होती है भारत में। सिर्फ वशिष्ठ नारायण सिंह नहीं, एक नाम बताने जा रहा हूं, शायद तुमने कभी नाम पे ध्यान नहीं दिया होगा, रास बिहारी लाल मंडल। नाम सुना है? माननीय रास बिहारी लाल मंडल मधेपुरा से। 1911 में जब जॉर्ज पंचम का दरबार लगा तो जॉर्ज पंचम ने कहा कि मैं सिर्फ फ्रेंच भाषा में बात करूंगा, है कोई महारथी जो मुझसे बात कर सके? तो रास बिहारी लाल मंडल ने हाथ उठाया, बोले तुम फ्रांसीसी में करोगे, मैं फ्रांसीसी में भी तुमसे करूंगा, फारसी में भी करूंगा, हिंदी में भी करूंगा, इंग्लिश में भी करूंगा और जर्मन में भी करूंगा। बुद्धिमता, बिहार मतलब बुद्धिमता, बिहार मतलब बहादुरी और बिहार मतलब बगावत। एक आदमी, एक जयप्रकाश नारायण। एक आदमी ने भारत सरकार को मजबूर कर दिया इमरजेंसी लगाने के लिए, और बिहार मतलब भगवान। बुद्ध, भगवान बुद्ध की धरती, यहीं तो निर्वाण मिला। गुरु गोविंद साहब यहीं पैदा हुए पटना में, बाबा धाम यहीं बिहार में। और सबसे बड़ा उदाहरण जो यहां का जज्बे का उदाहरण है, जिसका सुदर्शन जी ने अभी नाम लिया, दशरथ मांझी। जिस मिट्टी के लोग पहाड़ काटने की क्षमता रखते हो, लेकिन सुन लो, इतना चिल्ला रहे हो घर जाके 4 दिन सोओगे, सारी एनर्जी यही खत्म हो जाएगी, सुन लो पहले। कुसुमपुरा, जहां से इस धरती की कहानी शुरू होती है, जियो राजा। कुसुमपुरा, पुष्पापुर और फिर पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र के बाद अजीमाबाद और आज पटना।
और जब भी इस देश का उत्थान होगा तो ये मेरा मानना है कि उस उत्थान का जो नेतृत्व होगा वो बिहार से ही होगा। और उस उत्थान का जो मॉडल होगा उसका नाम होगा नालंदा मॉडल, नालंदा। कभी तुम ह्वेनसांग की किताब पढ़ो, एक जमाना ऐसा था जब कम से कम पूरा एशिया बिहार शिक्षा ग्रहण करने आता था, पूरा। श्रीलंका का राजा हर साल अपने आय का एक पार्ट नालंदा विश्वविद्यालय को भेजता था। ये इस भूमि की गरिमा है। An Academy. Let's crack it.